आदरणीय मंच और उपस्थित आप सबको मेरा प्रणाम है। मैं लोकगीतों के संदर्भ में और ये शास्त्रीय और शिष्ट और लोक का जो भेद है, जो ये मुठभेड़ है जो बनाई जाती है कायदे से, वो संगीत में आगे टूट जाती है। आप बेहतर डिफाइन करेंगे इसको, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि ये उभयमुखी प्रक्रिया है जो शिष्ट और लोक के बीच में लगातार चलती रहती है। और जब जब चूंकि लोक का पक्ष मुझे ज़्यादा मजबूत दिखता है, तो मैं ये कहने को मजबूर हूँ और बड़े खुशी से मजबूर हूँ कि लोक साहित्य का जो शिष्ट पक्ष है या संगीत का जो शिष्ट पक्ष है, वो जब भी ढहता है तो लोग उसे आकर थामता है। एक छोटे से कोट के साथ, जो कि लोक गीतों के लिए कहा गया, कि लोक जीवन की सुख दुखात्मक रागात्मक हर्ष उद्वेग तथा विभिन्न तरीके की मन स्थितियों की जो लय मिश्रित अभिव्यक्ति है, वो लोकगीत कहते हैं उसे। ये मोटे तौर की परिभाषा, अकादमिक परिभाषा है। आप लोग प्रैक्टिशनर हैं और मेरे ख्याल से सुलोचना में पहले आएंगी, जैसी बातचीत हुई है हमारी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो अकादमिक बात मैं कह रहा हूँ, वो उस किताबी सोच से परे जो मानसिक गठन है लोक को लेके और उसके शिष्ट में प्रवेश करने की स्थिति को लेके, उपस्थिति को लेके, उस पर आप अपनी बात करें। शुक्रिया। आप बंगाल के लोकगीतों पे बात करेंगी और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बाउल के अतिरिक्त मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि बाउल वहाँ का एक बड़ा ट्रेडिशन है वैष्णवों का और गायकी का, तो मैं चाहता हूँ, जैसे यूपी का जोगी है मैं, चूंकि बिलोंग करता हूँ उस बॉर्डर एरिया से, तो इसलिए तो मैं चाहूँगा कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। नमस्कार। सबसे पहले तो आराधना जी को साधुवाद कि उन्होंने आज के सत्र के लिए लोक सम्यक विषय का चुनाव किया। अमूमन लोग कविता और कहानी पाठ करते हैं और यह धीरे धीरे लोकगीतों की तरह ही बहुत ही लुप्त प्राय विधा हो गई है। लोग इस पर बात करने से कतराते हैं और आज की पीढ़ी लोकगीतों के बात करें तो वो कोक स्टूडियो समझती है, उनको कोक स्टूडियो समझ में आता है। तो सीधे मैं विषय पे आऊंगी, समय कम है। बांग्ला में प्रवाद है, गोला भरा धान आ गौला भरा गान। गोला जैसे गांव में अन्न के भंडारण के लिए मिट्टी का भंडार बनाया जाता है, उसको गोला कहते हैं। तो बंगाल का जो जीवन है, लाइफस्टाइल है, वह गोला से शुरू होता है और गौला पे खत्म होता है, धान से शुरू होता है, गान पे खत्म हो जाता है। तो धान और गान, धान से शुरू होता है, गान बंगाली के जीवन में आता है और धान पे ही गान दुर्भाग्यवश समाप्त भी हो रहा है। जैसा कि पहले हमारे पहले सत्र में जोशी जी ने बताया कि यह जनश्रुतियों से आया है और जनमानस की स्मृति पर निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे एक मुंह से दूसरे मुंह में बात जाती है तो ठीक वही बात नहीं रह जाती है, सबकी अपनी विवेचना होती है और लोग उसको अपने तरीके से फिर उसकी व्याख्या करते हैं आगे। तो लोकगीतों के साथ भी ठीक वैसा ही है। मैं कहती हूँ कि लोकगीत जो है एक प्रकार का नदी है, नदी का जल है। भागीरथी हिमालय से निकलती है, वह गंगा कहलाती है, कोलकाता में हुगली बन जाती है और बांग्लादेश जाके वो पद्मा बन जाती है। तो इसी प्रकार लोकगीत भी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाता है तो उसका स्वाद परिवर्तन होता है। आप देखेंगे पहाड़ों पे बहुत स्वच्छ है और जो हमारे मैदानी इलाकों में आते आते गंगा थोड़ी सी मटमैली हो जाती है। तो क्या होता है कि मूल तो वो गंगा जल ही रहता है, हम उसको गंगा जल ही कहते हैं, ऐसा नहीं कि वो हम पवित्र कह देते हैं उसको। तो इसी प्रकार और कई सारे प्रांतों से होके गई, जैसे कई सारे लोकगीत हैं जो बंगाल में जिनका जन्म हुआ। और जब मैं बंगाल कह रही हूँ, एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि बंगाल का मतलब ये अविभाजित बंगाल से है, ये मैं पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश की बात नहीं कह रही हूँ। मैं यहाँ पे अविभाजित बंगाल कह रही हूँ क्योंकि लोग, मैं बांग्ला लोकगीतों की बात कह रही हूँ जिसका जन्म अविभाजित बंगाल में हुआ है। तो वहाँ से अगर शुरू होता है तो कुछ गीत जो है बंगाल से चल के असम में गए हैं, उनका डायलेक्ट बदल गया लेकिन गीत मूल स्वरूप में वही रहा है। तो अगर लोकगीत अगर नदी है तो जाहिर सी बात है नदी की धाराएं भी होंगी। तो जैसा कि अभी मुन्ना जी ने कहा बाउल, तो बाउल एक धारा है, भाटियाली एक धारा है, भावाई एक धारा है, गंभीरा है, कवि गान है, इसी तरह से उस नदी की कई धाराएं गई हैं। पहले तो हमने नदी की अलग अलग धाराएं निकाली, फिर कहीं ना कहीं उनको एक समुच्चय में भी रखा हमने। वह समुच्चय कुछ इस प्रकार से था, पुरुष एक प्रकार का गान करते हैं, जो श्रमजीवी समाज है वह पल्ली गीत गाता है, जो नाविक है, जो नदी और समुन्दर के पास रहने वाले लोग हैं वो भाटियाली गाते हैं, वो एक भाटी प्रांत है जहाँ से भाटियाली निकल के आ गया है। जो गांव के कृषक समाज है वो भाऊवाई गाता है।
सबसे पहले अगर मैं, चूंकि लोकगीतों की बात हो रही, तो सबसे पहले जो लोकगीत, बांग्ला का जो लोकगीत जिसको हम समझते हैं, वह लोकगीत था नाथ गीति। और इसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी यहाँ पे, भले ही मुझे बाकी चीजों के लिए समय मिले ना मिले। आज के आक्रामक दौर में मैं नाथ गीति का जिक्र इसलिए करना जरूरत समझती हूँ क्योंकि नाथ गीति जैसे लोकगीतों के साथ होता है, कब आया किसी को नहीं पता, वो जनमानस और जनश्रुतियों से होकर आया, लेकिन बंगाल में इसको बंगाल का पहला लोकगीत होने का श्रेय प्राप्त है। तो अविभाजित बंगाल में वो 1858 रहा होगा, अंग्रेजों का राज था देश पर, तो एक जॉर्ज गियर्सन नामक महोदय थे जिनकी पोस्टिंग बांग्लादेश के अभी रंगपुर जिला, वो अभी अम्पुर बन चुका है, वहाँ भी अच्छे दिन आ चुके हैं, जगह का नाम परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ अम्पुर कहलाता वो रंगपुर, तो वहाँ उनकी पोस्टिंग थी। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय थे वहाँ पे कुछ दिनों तक रहकर उन्होंने बांग्ला सीखा, फिर उन्होंने देखा कि वहाँ के जो मुस्लिम किसान हैं, गाँव में जो कटाई हो रही थी उस समय धान की, तो उन्होंने देखा कि वहाँ वो लोग कुछ गा रहे हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये क्या गाने, लग रहा है कि वो लोग बिल्कुल ऊपर वाले से एकाकार हो गए हैं, लग रहा है कि ऑलमाइटी से एकाकार, ऐसा उनको लगा, ऐसा उनका इंटरप्रिटेशन था। तो जब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या गा रहे हो, तो वो कह रहा है हम नाथ गीति गा रहे हैं, हम नाथ के लिए गा रहे हैं। अच्छा, नाथ गीति क्या है मैं वो बता दूँ। बंगाल में दो मत था अमूमन, अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो, एक वैष्णव था और एक शैव था। जो वैष्णव था वह मांसाहार नहीं करता था, जो शैव था वो शिव की उपासना करता था और मांसाहार करता था। तो जैसे शैव जो शिव के उपासक थे, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने जाके, जैसे यहाँ पे हमारा जोगी संप्रदाय है गोरखनाथ को मानने वाला, तो बंगाल में भी वह नाथ संप्रदाय था। तो यह नाथ की प्रशंसा में किया हुआ गान था जिसको हमने नाथ गीति कहा। तो उन्होंने देखा कि वह मुस्लिम किसान नाथ गीति गा रहे, उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, और कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा मिलेगा कैसे, मिलेगा यही मिलेगा, खेतों में मिलेगा आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, मैं इस पर कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने ढूंढा, अपने तरह से रिसर्च किया, उनको वो कहीं नहीं मिला। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया, वो अब अलग अलग जगहों पे जाके खेतों में मजदूरों के साथ बैठते, उन कृषकों के साथ बैठ के वो उसको लिखना उन्होंने शुरू किया, अपने तरीके से नोट करना शुरू किया। और अथक परिश्रम के बाद, कुछ महीनों के अथक परिश्रम के बाद, उन्होंने एक संकलित किया, एक संग्रह किया नाथ गीति का, और उस संकलन को उन्होंने निकाला, पब्लिश किया, और उसका नाम था, उस संग्रह का नाम रखा उन्होंने मानिक चंद्र राजार गान। उसमें है कि मानिक चंद्र एक राजा है जो नाथ जी की प्रशंसा में, मतलब राजा से भी बड़ा कोई राजा है जिसकी प्रशंसा में मानिक चंद्र राजा गा रहे हैं। और जब वह किताब प्रकाशित हुई, तो जो बुद्धिजी समाज था उस समय, पहले तो ये गांव की खेती है, मजदूर लोग गाते थे, बुद्धिजीवी जो था वो तो अंग्रेज लिटरेचर टॉलस्टॉय उस समय ही व्यस्त था। तो उनको जब वो किताब निकली कि एक अंग्रेज ने संपादन किया है जॉर्ज गियर्सन ने नाथ गीति का, तो वो आग की तरह वो खबर फैल गई, और वो नाथ गीति तब घर घर में संग्रह किया जाने लगा वहां पे। तो इस तरह से नाथ गीति आई। एक अंग्रेज ईसाई ने मुसलमान को गाते सुना, जो कि वस्तुतः एक हिंदू संप्रदाय का गीत था, और उसको संपादित किया, और संपादित करके पब्लिश करवाने के लिए उस जमाने में अंग्रेजों का की अनुमति लेनी होती थी, और विदेशी सरकार ने उसके प्रकाशन की अनुमति दी, और वह नाथ गीति का प्रकाशन हो सका, और वह गांव गंज से निकल के, पल्ली से निकल के वह लोगों के घर घर तक पहुंच गया उस तरीके से। और जैसे वैसे तो कोई सा भी लोकगीत जो होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, एक गीत होता है, एक वाद्य होता है, और एक नृत्य होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ये मेरा इंटरप्रिटेशन हो, बंगाल का जो लोकगीत है उसमें इन तीनों का सम्मिश्रण अभी तक बचा हुआ है, उसमें वाद्य भी है, नृत्य भी है। जैसे अगर आप बाउल की बात करें, तो क्या दो तारा के बिना बाउल की परिकल्पना कर सकते हैं? दो तारा के बिना बाउल बाउल नहीं रह जाएगा। इसी तरह अगर आप ग्वालपारिया गीत की बात करें, ग्वालपारिया गीत में मादल नहीं होंगे और नृत्य नहीं होगा, तो वो ग्वालपारिया गीत ही नहीं रह जाएगा, वह तो अपने आप में कविता है, फिर इस तरह से रह जाएगी वो चीज। तो इसी प्रकार बांग्ला गीतों में ये सभी चीजों का सम्मिश्रण आपको दिखेगा। और जो बांग्ला गीतों का जो संसार है, उसमें एक विचित्र प्रकार की विविधता पाई जाती है। मतलब वहाँ पे अलग अलग मुद्दे हैं लोगों का, अलग अलग संसार है। जैसे जो श्रमजीवी मानस है वहाँ का, वो पल्ली गीत गाता है। पल्ली गीत में क्या मिलेगी? पल्ली गीत में मिलेगा कि चाय बागान में मजदूर का शोषण हो रहा है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति हो रही है, गरीबों का शोषण हो रहा है। एक आदिवासी समाज भी है वहाँ पे, वो गा रहा है क्या, जल जंगल जमीन का गाना है उसमें, हम अपना हक लेके रहेंगे, वो पल्ली गीत है। और पल्ली गीत क्या है बेसिकली, जो जैसे नुक्कड़ नाटक होता है उसी तरह नुक्कड़ गान को पल्ली गीत कहते हैं। पल्ली मतलब गली है, जो गली गली में लोग गा रहे हैं चार लोग इकट्ठे होके।
उसको कल्ली गीत हम कह रहे हैं। तो भाटियाली जो भाटियाली गीत में नदी है, और नदी है लेकिन नदी के साथ नदी का दर्शन भी है। एक भाटियाली गीत है, सुजन माझी रे कोन घाटे लगाई वो तुम्हार नाम। उसमें अगर आप वस्तुतः अगर आप उस नदी में जा रहे हैं मल्लाह के साथ, तो आपको लगेगा कि माझी से कह रहे हैं कि किस घाट पे मेरी नाव लगाओगे। लेकिन देखा जाए तो जो मल्लाह है वह उस भुवन माझी के लिए गा रहा है, जो इस पूरे संसार का, ये संसार एक नदी है, और वह मल्लाह जो है उस नाविक के लिए जो इस संसार की नैया खेल रहा है उसके लिए गा रहा है, भुवन माझी रे कौन घाटे लगाए वो अमर नाव। तो नदी है, जिंदगी है, उसके साथ दर्शन है। अच्छा, मुझे लगता है कि पहले के लोग शायद, जैसा कि जोशी जी ने भी पहले सत्र में कहा, और मुझे भी लगता है कि लोग पहले के काव्य में रहे होंगे, क्योंकि ऐसा उदाहरण मिलता है गानों से। हम किसी बड़ी घटना का सोचते हैं कि देश में कुछ होगा, कुछ बड़ी घटना का, कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, तो कविता लिखेंगे, या खुद दुख में है कविता लिखेंगे, प्रेम में है कविता लिखेंगे, जाहिर सी बात है। पहले के लोग भी इन सभी चीज़ों पर कविता लिखते थे, लोकगीतों में भी है ये चीज़। लेकिन जो एक चीज़ जो उस समय कविता में दिखती है, जो अब अमूमन नहीं दिखती है, वह है कि एक छोटी छोटी घटनाओं पर, एक छोटी सी घटना है, एक लड़की ब्याह करके घर आई है, और पहली बार आई है, और पहले मोबाइल नहीं होते थे, कोई अतिथि आने से पहले फ़ोन नहीं करता था। तो अचानक से लड़की की भाभी बाहर जाती है और देखती है कि जो घर का नया दामाद है वह आ रहा है बेटी गोली वाला ने, और वो गाते हुए कहती है, अरे ओ नौनो दीदू मुठो चल आर फिले दे हारी ते ठाकुर जमाई एलो बाड़ी ते। तो वो उसको कहती है कि दो मुट्ठी चावल और डाल दो, जमाई आ रहा है वहां से। तो ऐसी ऐसी घटना के लिए कौन गाता है? तो मुझे लगता है कि पहले का जो समाज रहा होगा वो काव्य में समाज रहा होगा, वहाँ हर चीज काव्य में ही, वो अब हमारी तरह बातचीत नहीं करते होंगे, वो काव्य में ही बात करते होंगे शायद एक दूसरे से, कि ऐसी छोटी छोटी इवेंट्स के लिए, इतनी छोटी छोटी बड़ी घटनाओं के लिए उनके पास गीत थे, गीत के बोल थे इस तरीके से। और लोकगीतों में हमें उस समय के उस लोक के का इतिहास तो मिलता ही है, वहाँ की मान्यताएं भी हमें पता चलती है। एक युवती है, एक गीत है, एक भावाई गीत है, उसमें एक युवती कहती है, ओरे बानिया बंधु रे एकटा ताबीज बनाइया दे, मोड़िया गिया छे बिया रो स्वामी सौपुने आई से। मतलब वो कहती है उससे कि अपने स्वर्णकार को कहती है, सुनार को, कि मुझे एक ताबीज बना दो, मैंने सपने में देखा है कि मेरा जो होने वाला पति है वह मर गया है। तो पहले समाज की ये मान्यताएं थी, बंगाल में तो बहुत ऐसे टोने टोटके की सपने में भी देख लिया है तो बहुत बड़ा आप शकुन है, आप तो कुछ टोना टोटका ताबीज जादू मंत्र ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो वो सारी मान्यताएं, वो सारी चीजें वहां से निकल के आ रही हैं लोकगीत। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि उस वह समाज ना अपने आप में कला की अनूठी मिसाल था, मैंने कला कूट कूट के भरी हुई थी, मतलब वो शैली थी, कला उनके जीवन की शैली थी। हम लोकगीत सुनते हैं तो हमको लगता है कि अच्छा है, तो बहुत आसान है, हम गा लेते हैं। लेकिन आपको शायद पता होगा, आप सभी ने कोक स्टूडियो में पार्वती बाउल को गाते हुए सुना होगा। पार्वती बाउल जो हैं वो अमेरिका जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया जाती हैं, हर जगह जाती हैं, वो बांग्लादेश नहीं जाती है, उनको वहाँ के एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो जो गाती है उसको वहाँ की जनता बाउल नहीं मानती है, क्योंकि वो उनको आर्टिफिशियली पैदा किया गया है, उनको सिर्फ दोतारा हाथ में लेके जटा कर लेने से कोई बाउल नहीं हो सकता है, गाने की विधा है। तो जो लोकगीत है, लोकगीत को भी गाने की विधा, जैसे मैंने कहा कि वहाँ अलग अलग समुच्चय थे, कुछ गीत हैं जो पुरुष गाते हैं, जैसे एक युवक है, उस युवक को किसी युवती से प्रेम हुआ है, अभी उसे पता नहीं है कि उसकी तरफ से भी ये प्रेम है या नहीं है, तो अब वह नाम नहीं पुकार सकता है। वो ऐसा लोक है जहाँ पे कि आप किसी लड़की का नाम लेने से, और अगर लड़की की इच्छा नहीं है तो वहाँ पे सम्मति नहीं मिलेगी। तो लड़का उसको काव्य में गा के सुनाता है, चल पियाली शाली का जांगला नदी धारे ते तोर संगे लई गुड़ गुड़ करूँ यही बासना प्राणी। लड़का कहता है उससे, तुम चलो नदी के पार, मैं तुमसे बात करूंगा, सादे रो प्रतिमा लैया राखूं चोखे तारा टाए। वो कहता है कि तुम्हें मैं आंखों में तुम्हारी प्रतिमा को गढ़ के रखूंगा, और तुम्हारी मूर्त को मैं तुम्हें रानी बना के मैं अपने दिल में रखूंगा। और वो इसके लिए ये नहीं कहता, वो कहता है मैना छलत छलत चले रे, वो अपनी प्रेमिका को मैना कहता है, वो लड़की का नाम नहीं कहता है, कोई युवती नहीं कहता है। तो एक तरह से रूपक का भी इस्तेमाल है इस तरह के गीतों में, जो कि सामाजिक तौर पर गाया जाता है। जो मंगल गान है, जो मांगलिक अनुष्ठान है, उनको स्त्रियां ही गाती थी। इसी तरह जैसे घर बनता है, घर बनते हुए ऐसा बिहार और बंगाल में मैंने देखा है, पता नहीं अन्य प्रांतों में है, यानी जब छत की ढलाई होती है तो एक भोज रखा जाता है मजदूरों के लिए, तो वहाँ पे उसको बंगाल में उसको छत पेटानी गान कहते हैं,
वह गीत स्त्री पुरुष दोनों मिलके अपने गृह स्वामी के मंगल के लिए गाते थे। उन गीतों में स्त्री पुरुष दोनों थे, तो उन गीतों को गाने का भी एक कह सकते हैं कि काइंड ऑफ व्याकरण है उसमें। जैसे कुछ गाने हैं जो एकल स्वर में गाए जाते हैं, जैसे भावई है, बाउल है, भाटियाली है, ये सब एकल स्वर में गाए जाते हैं। लेकिन कुछ गीत है जो समवेत स्वर में गाए जाएंगे। समवेत मतलब एक से अधिक, वो दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जैसे कवि गान है, आलकाप है, मादर है, इसी तरह से गंभीरा है, ये सारे गान एक से अधिक लोग मिलके गाते हैं। गंभीरा नाम से बस गंभीर है, वो कहीं से भी गंभीर नहीं है। वो गीत वस्तुतः नाना नतनी दादा पोती या दादा पोता, बंगाल में सब बहुत मजाक का रिश्ता होता है, तो वस्तुतः इन सभी रिश्तों को लेके बना है। पर क्या सिर्फ मजाक मजाक ही है? नहीं, मजाक मजाक में नहीं गाया गया है। इन मजाक के बीच में कहीं ना कहीं कोई सीख भी मिलती है। जैसे एक गीत है, उसमें दिखाया गया कि बूढ़ा है, एक पोता है ना, दादा से पूछता है, दादा उसका पेट पकड़ के नीचे बैठा है, तो पूछता है कि बगुले की तरह क्यों बैठे हो। उस गीत का जो सारे मैं बता रही हूँ, तो वो कहता है कि पेट में दर्द है तो मैं क्या करूँ। तो कहता है पेट में दर्द क्यों है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। वह कहता है कि मिलावट वाला बीज से तुम धान उगाए हो तुमने, तो कैसे खा पाऊंगा मैं, तो खा नहीं पाऊंगा। तो उसमें वो कहता है अच्छा पर मैंने तो सही बीज डाला था। तो उसमें दादा पोता के बीच में जो संवाद होता है, उसमें वो उससे कह रहा है कि अगर दिए की तेल में मिलावट हो तो दिया नहीं जलेगा, और अगर बीज में मिलावट हो तो अच्छा अन्न कभी नहीं उगेगा। और एक किसान के बेटे को और कुछ समझ आए चाहे नहीं आए, यह समझना बहुत जरूरी है कि इस बीज में किसी प्रकार का मिलावट है या नहीं है। तो ये जो बात है, ये जो हमारे जो हम कहते हैं नित्य दिन की बात है, हमारे उठते बैठते जो छोटी छोटी जानकारियां, जो जीवन उपयोगी ज्ञान है, कहीं ना कहीं उन गीतों के जरिए ही आया है गीतों में। तो जैसे हम संगीत की बात कर रहे हैं, हम तो संगीत में भी इनको चार श्रेणी में रखा गया। मैं सोचती हूँ उनका जो स्वरलिपि ज्ञान था वो कितना ज्यादा रहा होगा कि उन्होंने उसके लिए भी अलग अलग सुरों को पकड़ा कि इस गीत में इस तरीके के सुर रहेंगे, ऐसा राग रहेगा। रागों में तो गीत तो किसी भी राग में गाया जा सकता है, लेकिन जैसे वहाँ कीर्तन गाया गया तो उसको राग झिंझट में लोगों ने सबसे ज्यादा गाया, और चुपल्ली गीत गाए गए, इस तरीके के गीत राग देश में गाए गए, देशभक्ति के जो लोकगीत गाए गए उनको राग देश में गाया गया। इसी तरह राग यमन, कल्याण, भैरवी, ये सारे प्रमुख राग थे जो गाए गए। और जो राग गाए गए तो उनमें भी उन्होंने क्या किया कि जो सुर थे, सुर को उन्होंने चार अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया उसको। ये कोई फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास वाला श्रेणी नहीं थी कि ये पहले और बाद में है, हम कह सकते कि चार भागों में बांटा है। जो प्रथम श्रेणी के सुर थे, जो गीत एक तरह के गीत थे जिनको कि एक श्रेणी में वो आते थे, उनमें उनका सा रे म प सुर ज्यादा लगता था। जो द्वितीय श्रेणी थी उसमें सा ग म प वाले सुर ज्यादा लगते थे। इसी तरह जो तीसरी थी उसमें उन्होंने सा रे ग प लगा दिया। जो चतुर्थ श्रेणी रखी उसमें पांच सुर रखे, उसमें सा रे ग म प सारा था। तो इस तरीके से उन्होंने गाने का व्याकरण भी रखा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने सुन लिया और हम भी बन गए लोक गायक और लोकगीत। उसके लिए उस अनुशासन में ढलना। अब मैं उस गीत को सुन के गुनगुना तो ऊपर क्या मुझे बीच समझने की बात जो उस गीत में गाया गया है वो कैसे समझ में आएगा। फिर जैसे हम बता रहे थे कि नदी है, लोक गीतों को सुनने का एक शऊर चाहिए होता है। वो हम किसी गीत की तरह, बॉलीवुड के किसी गीत की तरह हम नहीं सुन सकते हैं। और किसी की भी लोक गीत को सुनने के बाद जब तक आप उसकी पीछे की संरचना के पीछे की कथा को नहीं समझेंगे, उस लोक गीत को आप परिपूर्णता में नहीं समझ सकेंगे। जैसे ग्वाल पारिया गीत है, अगर तो आप उस गीत में जाए कहीं पे बज रहा है, आप वहां पे डांस करके आ जाएंगे, आप झूम झूम के नाच के आ जाएंगे। लेकिन जब आप उसके अर्थ को समझेंगे, उसके पीछे की रचना को समझेंगे, हो सकता है आप रोते हुए वहां से वापस आ जाए और भारी मन से, और आप कई दिन तक आपका मन कचोटता रहे। एक ग्वाल पारिया गीत है, उसमें बीच की कुछ पंक्तियां हैं, वो उसमें बीच की कुछ पंक्तियां जो है वो ऐसे है। मोने कोरी आसम जाबो जोरा पंखा टंगाई गो, बाबू बोले कहाम कहाम, साहेब बोले धोरियन, सरदार बोले लिबो पीठेर चाम, ओ जोदुराम फांकी दिया चलाई लिया शाम। वह गीत जो है साझा गीत है। ग्वाल पारे चाय बागान में कौन काम करते थे? चाय बागान में वस्तुतः गरीब लोग ही काम करते थे, आज भी वही लोग काम करते हैं। लेकिन वह जो किस प्रांत के थे, वो बंगाल के वीरभूम से गए थे, उन दिनों झारखंड नहीं बना था तो बिहार का जो झारखंड वाला इलाका है वहां से जाते थे, और सिलीगुड़ी के पास नेपाल के बॉर्डर है वहां से भी लोग जाते थे। खूब बंगाली और बिहारी और ये लोग, ये बेसिकली बहुल समाज था उनका। तो वो वहां गए तो वहां पे उनका एक अपनी भाषा बन गई। कई आप देखेंगे जो
जो बिहार का मानुष रहता बंगाल में रहकर उसकी एक अपनी अलग, वो बांग्ला नहीं होता, एक अलग डायलेक्ट के साथ हो जाता था, सब बिहारी एक्सेंट के साथ बोलते हैं। इसी तरह जो बिहार के रहने वाले लोग हैं वो जो बंगाल के रहने वाले वो बिहार आते तो उनका अपना एक एक्सेंट होता है, तो वो साझी संस्कृति बन गई। और कितनी अलग बात है कि बिना जानकारी के, और मुझे दिख रहा है कि भविष्य कैसे इसका क्या होगा। कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि एक गीत किसी ने डाला, और मजेदार बात है कि रहने वाला जिसने गीत पोस्ट किया उसने यूरोप में था शायद बंदा, उसने गीत को डाला और गीत ग्वालपाड़िया गाना था, उसने असम के बिहू का नृत्य का पिक्चर उसमें स्लाइड शो में लगा दिया। वहाँ पे एक बंगाली मानुस आया, वो अमेरिका में रह रहा था, वो आके लड़ रहा है कि तुमने बंगाली गीतों के साथ ये तुमने असम के बिहू का रख दिया है और ये भ्रामक है, गलत संदेश जाता है। एक नेपाली आके बोलता है ये नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे गाने को चुरा के चले गए, और वहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ था। मैंने देखा और मुझे इतना बुरा हुआ, मुझे रोने का मन किया। बात तो हंसने की थी और मैं सोच रही थी कि कितनी बुरी बात है, और ये अपने बच्चों को विरासत में क्या देंगे। सब अपने अपने जगह सही हैं, क्योंकि हर किसी ने जब वो यहाँ से वस्तुतः जब वो भारत से गए होंगे विदेश, तो वहाँ पे अपने माता पिता को सुने होंगे अपने अपने घरों में रेडियो में ये गाना बजते हुए, और उनमें से हर किसी के घर में ये गाना जरूर बजता होगा। इसके लिए तो वो बंगला गीत हो गया, असमिया हो गया या नेपाली हो गया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा, किसी ने उसके पीछे की संरचना के बारे में ना जानने की कोशिश की होगी कि वह एक साझा संस्कृति था जिसको ग्वालपाड़िया गीत कहते हैं। वह किसी कोई बांग्ला गीत असमिया गीत नहीं था, वह एक संस्कृति का गीत था जहाँ पे तीन लोग, उसमें ये कह है कि चाय बागान में मजदूर हैं, मजदूर का शोषण हो रहा है, अब उस छुट्टी मांगा शादी के लिए, उसको बोला तुमको 3 दिन में लौट के आ जाना है। अब बंदा वहां से आ रहा है, झारखंड आ रहा है बंगाल चाय बागान से, असम के या बंगाल के साथ दार्जिलिंग से 2 दिन लगा के आ रहा है जा रहा है, वो किसी तरह शादी करके लौटता है। चाय बागान में पुरुषों का तो शोषण होता ही था, स्त्रियों का उससे डबल शोषण होता था। उसकी जो युवती है वो अभी शादी हुआ है, उसका पति चला गया है, बागान से एजेंट आ गया है, एजेंट आके उसको कहता है कि वहाँ तुम, यहाँ गरीबी है तुम्हारे घर में, वहाँ चलो, एक आदमी कमा रहा है, 2 आदमी कमाएगा बहुत, और तुम लोग की उन्नति होगी, पैसे आएंगे घर में डबल पैसे, और पति के साथ भी रहने को मिलेगा। वह सोचती है बहुत अच्छा है, वह स्त्री गाती है मोनिकोरी असम जब वो जोरा पंखा टंगाई, वो जोरा पंखा मतलब डबल इनकम हो जाएगा। लेकिन वहां जब जाती है तो वहां क्या होता है, बाबू बोले कहम कहम, साहब बोले थोड़ियान, सरदार बोले लीबू पीठे चाम। वहां जाती है तो जो बाबू है वह कहता है काम काम, वो दिन रात कहता है काम करना होगा, जो साहब है वो कहता है पकड़ के ले आओ, पकड़ के ले आओ स्त्री को, लेने का मतलब स्त्री का शोषण है शाम के बाद। और सरदार बोले लीबू पीठे चाम, अगर वो मना करती है तो सरदार कहता है पीठ की चमड़ी उघेड़ लूंगा। और इस गीतों को वो शाम के बाद रात में हड़िया पीते हुए मादल बजाते हुए नाच नाच के गा गा के सुना रहे हैं। अब बताइए अगर वो गीत आपने शुरू में सुना, और इतनी फास्ट, इतनी अच्छी बीट्स है उसकी, इतना अच्छा सुर है, इतनी अच्छी सुरलिपि उस गीत की, आप अगर सुनेंगे, अगर आपको भाषा नहीं समझ आती है तो आप वहां पे उनके साथ मादल पे नृत्य करके आएंगे, वो इतना सुंदर अच्छा लगता है। लेकिन जब आप उसके पीछे की कथा को सुनेंगे, जब उसकी संरचना को समझेंगे कि वो किन परिस्थितियों में लिखा गया था, और कहीं ना कहीं आपको यह भी समझ में आएगा कि पहले के लोग जिजीविषा से किस प्रकार भरे थे, जो शोषण करने के बाद अपना सारा स्ट्रेस गाकर नाचकर निकाल देते थे, हमारी तरह पंखों पे नहीं लटक जाते थे कहीं ना कहीं। तो यह एक बहुत एक बताता है कि कहीं ना कहीं कला हमें जीने की जिजीविषा भी देती है, कला हमें जीने का तरीका सिखाती है, कहीं ना कहीं वहीं से सहिष्णुता आई होगी कि इतना शोषण के बाद भी लोग साथ रह रहे थे, अलग अलग लोग थे। अच्छा, गीतों को इस प्रकार से भी बांटा गया कि आपके पास आपकी सवारी क्या है। अगर आप नाव से जा रहे हो तो आप भाटियाली सुन रहे हो, आप रिक्शा से जा रहे हो, बैलगाड़ी से जा रहे हो, और ठेला गाड़ी पे बैठ के जा रहे हो तो उसके लिए भावाई गीत है। भावाई गीत में अक्सर एक संबोधन जो हमेशा दिखता है उसको कहते हैं ओ गाड़ियल भाई, गाड़ियल भाई मतलब गाड़ी वाले भाई, गाड़ी वाले भाई जो है वो कोई भी हो सकता है, वो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, और कोई भी है वो जो भी गाड़ी पे, और पैदल जो चल रहे हैं उनके लिए भी है उसमें। राधा कृष्ण का भी है उसमें, और एक जो श्रेणी है उसमें जैसे मैंने कहा था अलग अलग समुच्चय स्त्री पुरुष, उसमें एक हिंदू मुसलमान भी है उस गीत में। और मुझे लगता है उस गीत की नींव तब पड़ी होगी जब पहली बार अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान वाला फूट डाला होगा लोगों के मन में, तब आई होगी। उसमें ये बांग्लादेश में रचित है, तो उस समय लोग बैठ के गा रहे हैं, ग्रामीण नौजवान हिंदू मुसलमान मिलिया बाउलेरी मुर्शिदी गायता मामरा आगे की सुंदर दिन काटाईता। वो गांव लोग बैठ के गा रहे हैं, अब हिंदू मुसलमान में फूट पड़ गई है और दोनों दो तरफ बैठ के, हिंदू उधर बैठ के गा रहे हैं, मुस्लिम इधर बैठ के गा रहे हैं, कि गांव के नौजवान जो हिंदू मुसलमान थे पहले क्या मस्त होकर बैठ के हम लोग बाउल की मुर्शिदी गाते थे,
और मुर्शिदी जो है वो मुर्शिद लोग गाते हैं, और मुर्शिदी जो गाई जाती है उसमें यह होता है कि जैसे बाउल लोग हैं जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो पीर बाबा की मुर्शिदी गाते हैं, जो हिंदू संप्रदाय है वह रासलीला दरअसल कृष्ण भगवान की लीला जो है उसको गाते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, हिंदू संप्रदाय वाले जो थे वो भी आलकाप और मादार गाते थे और वो भी पीर बाबा के इसमें गाते थे, और जो और बांग्लादेश में तो अभी भी गाते हैं वहाँ पे। तो वह था, वह टूट गया है, अब हिंदू मुसलमान हो गया, हिंदू कोई पीर गा दे तो लोग मॉब लिंचिंग कर देंगे, वहाँ भी फतवा जारी हो, तो वहाँ अभी भी सहिष्णु है मैं कहती हूँ, हालांकि वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन गाते हैं वहाँ उनके जो अभी गायक है वहाँ के वो भी राधा कृष्ण को गाते हैं, तो लेकिन फतवा जारी होता है लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो कला संस्कृति कर्मी है, जो कला धर्मी है, उसको क्या मतलब है मजहब से, इन चीज़ों से, उनका मजहब और उनका ईमान तो कला है, कला ही ईश्वर है उनके लिए, तो वो गाया जाता है। लोकगीतों में जितना लोकतंत्र है उतना तो कहीं नहीं मिलेगा, और मैं लिखना चाहती थी अभी सोशल मीडिया पे नहीं लिखी, मॉब लिंचिंग का ज़माना है, लोग आपके पीछे कुदाल लेकर पड़ जाएंगे। लोकतंत्र एक तो होता है कि हम इस लोक में लोकतंत्र की बात करते हैं लोगों लोगों के बीच, दूसरी जो एक है वह ईश्वर और लोक के बीच है, ठीक है, और लोकगीत एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ ईश्वर भी आप ईश्वर को भी आप अपने समकक्ष रख के गाली भी दे सकते हैं। गाली तो बिहार में भी गाई जाती है, बिहार के लोकगीतों में भी शादी होती है, बहुत सारे स्थान है गाई जाती है, लेकिन वहाँ के वो संबंधियों को दिया जाता है, सगे संबंधियों को, ईश्वर को गाली दिया जाए ऐसा तो सिर्फ मैंने बंगाल में ही देखा है। हाँ, तो कृष्ण के लिए एक है, मतलब वो कीर्तन बाकायदा आपको सुन के आश्चर्य होगा, अगर आज का कोई कवि लिख दे तो उसकी मॉब लिंचिंग पक्का है, यकीनन कह सकती हूँ मैं। वह कीर्तन है, ओ कलंकिनी राधा ज्वले ना जयो, ओ कलंकिनी राधा ज्वले ना जयो, कदम गाछे बसिया छे कानु हारम जदरे ज्वले ना जयो। अब सोचिए कानु कौन है, कानु कृष्ण भगवान है, और राधा को कह रहा है, राधा जल में जाती है उसका कपड़ा लेके, कृष्ण गायब हो जाता है, और लोग कहते हैं तुम जल में जाती क्यों हो वहाँ, वह कहती मुझे क्या पता कि वो कहाँ से आ जाता है, तब गांव के बुजुर्ग हैं, अब वह तो लोग हैं, वो कह रहे हैं गांव के बुजुर्ग कि अरे वो हरामजादा उस कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा है, तुम अब पानी में मत जाना। और इसको आज भी बंगाल में हर मंदिर के वैष्णव लोग जो है मंदिर के बाहर भजन कीर्तन करके गाते हैं, पूरा गाँव गाता है उसके सामने, तो ये इतना लोकतंत्र आपको और कहीं दिखाई नहीं देगा। तो ये जो चीज है, पर आज जो लोग मुझे लगता है इस गीत के विरोध में जो लोग आएंगे ना वो 20 बरस 25 बरस से कम के नौजवान होंगे, क्योंकि उनके लिए धर्म एक मुद्दा बन गया है, उनके लिए ये गीत संस्कृति, और मुझे लगता है ये गीत भी कौन आया होगा जिसने लिखा होगा, उसने ईश्वर को गाली देने के हिसाब से नहीं लिखा होगा, किसी ने काव्य लिखा होगा तो हो सकता है कृष्ण की लीला रखी होगी, लीला के लिए रचा होगा ये सारा शब्द, और लोक में तो धूमिल हो जाता है सब, तो धूमिल हो गया, लोगों को ये याद रहा, लोग अब इसको भजन कीर्तन के बतौर गा रहे हैं। तो समय कम है तो मैं बस अब ये बात रखना चाहूंगी कि आज हम कहाँ पहुंचे हैं लोकगीत, ये तो मैंने तब की बात सारी बात बता दी है, जो अब की बात है वो ये है कि जैसे अब फोक स्टूडियो का जमाना है, तो जितने भी कलाकार हैं, डॉयचे वेले जर्मनी की पत्रिका है, जर्मनी का एक चैनल भी चलाते हैं वो लोग, तो डॉयचे वेले में बहुत सारे लोकगीतों को जो बंगाल के आर्टिस्ट थे उनको एक साथ किया था, तो उनसे उनमें से कुछ लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है कि अब लोकगीत कहाँ पे है, तो कुछ लोगों ने तो कहा कि बहुत अच्छी बात है कि अब कोक स्टूडियो लेकर आ रहा है, लोग सुनते हैं, कभी कभी तो लोकगीत की जगह वो फ्यूजन करके कुछ और ही बना देते हैं, वो लोकगीत नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि वस्तुतः वह सुना रहे हैं, लोग सुनते हैं, तो उनको लगता है कि क्या है, फिर गूगल करते हैं, फिर ढूंढते हैं, लोकगीतों की बिक्री बढ़ रही है, किसी तरह किसी फॉर्म में भी जिंदा तो है। इसी चक्कर में उन्होंने एक बहुत बड़े लोक कलाकार शुभेंदु मैती से पूछा कि आप क्या कहते हैं इस बारे में, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस यही कहा कि आज से कुछ बरस, आज से 25 साल पहले धान की 360 प्रजातियां मौजूद थी, अब नहीं रही, क्यों नहीं रही, तो अब हाइब्रिड फसल आ गई है, तो जब हाइब्रिड फसल आ गई है, धान की 360 प्रजातियां नहीं रही, तो वह 360 गीत भी उन प्रजातियों के साथ चले गए जो धान के साथ, धान की रुपाई के साथ, धान की कटाई के साथ गाए जाते थे। तो धान और गान वहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ से गान धान के साथ, तो वह गान धान के साथ कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग
इसके बारे में जहाँ पे भी चर्चा हो तो जिक्र करें, अपने बच्चों को, अपने परिजनों को बताएं, सुनाएं उनको, और जब सुनाएं तो पूरी कहानी के साथ सुनाएं, चाहे वो किसी भी प्रांत का लोकगीत हो। धन्यवाद।